नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज बुधवार के दिन कमोडिटी बाजार के हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है आज और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज से, सोने चांदी से। तो जैसा हम देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोना $1922 पर ट्रेड कर रहा है और सिल्वर $24 पर। देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले आज थोड़ी और ज़्यादा लुढ़की हैं। सोने चांदी की कीमतों में यहाँ पर और ज़्यादा गिरावट बनती आई है। इसका असर हमने घरेलू वायदा पर भी पड़ते हुए देखा है। घरेलू वायदा में M6 सिल्वर 66,000 पर है और M6 गोल्ड 51,000 के ऊपर, और वो भी लाल निशान पर ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। अब सोने चांदी में जो गिरावट बन रही है ये क्यों बन रही है, इसके पीछे के रीजंस जानते हैं। सबसे पहला, डॉलर में तेजी आना, डॉलर इंडेक्स का बढ़ जाना, डॉलर मजबूत हो जाना, रुपये में गिरावट आना, इसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं इनमें नरमी बनती नज़र आ रही है। दूसरा, जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को और टाइट करने के संकेत दे रहा है। पिछली बार 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कही थी, इस बार 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों का ऐसा मानना है कि अगर फेडरल रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करता है, ब्याज दरें में फिर से बढ़ाता है, तो उसका असर सोने चांदी की कीमतों पर कहीं ना कहीं पड़ता नज़र आ सकता है। तो उसकी वजह से भी सोने चांदी की कीमतों में यहाँ पर उठापटक का माहौल देखने को मिला है। बात करेंगे यहाँ से अब क्रूड ऑयल की। तो कच्चा तेल देख रहे हैं कि आज WTI $101 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $106 पर ट्रेड करता नज़र आ रहे हैं। देख रहे हैं कि WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल परसों की गिरावट के बाद कल जो तेज हुआ था वो तेजी हल्की फुल्की आज भी देखने को मिली है। आज भी जो क्रूड ऑयल का जो बाज़ार है पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। दरअसल यूरोप से खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो यूरोप है वो रशिया पर नए सैंक्शंस लगा सकता है, यानी कि नए प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है। इसकी वजह से जो यूरोप है वो रशिया पर कुछ नए सैंक्शंस लगा सकता है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और यूरोप द्वारा रशिया पर सैंक्शन लगाने का मतलब है यूरोप की तरफ से रशिया के कच्चे तेल को टाटा वावाई कह देना। हालांकि यूरोप ने ऐसा अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यूरोप ने पहले ही कह दिया था कि वो इस पूरे साल तक, साल 2022 के एंड तक ही ऐसा करने में सक्षम हो पाएगा, क्योंकि यूरोप ऑलमोस्ट अपनी पूरी की पूरी ही कच्चे तेल या एनर्जी के लिए रशिया पर ही निर्भर है और वो कच्चे तेल के लिए अभी वहाँ से सप्लाई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए इसकी वजह से, लेकिन नए सैंक्शंस क्या होंगे, कैसे होंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा, इस पर भी निर्भर करेगा कि आगे कच्चे तेल की जो चाल है वो क्या रहती है। जब तक ऐसे ऐसे अपडेट्स, ऐसे ऐसी खबरें निकलते सामने आती रहेंगी, तब तक कच्चे तेल की जो मार्केट है वो ऊपर नीचे एज इट इज़ जाती रहेगी। तो बात करेंगे यहाँ से अब बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि जिंक में आज भी तेजी का दौर जारी है। जिंक M6 जिंक 352 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं कॉपर $4.7 पर। तो अब बेस मेटल्स में यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर जब डॉलर इंडेक्स काफ़ी तेज हो चुका हो, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है मार्केट एम सीवी पर। रूपा जी, बेस मेटल्स में बात की जाए सबसे पहले, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है? बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि डॉलर काफ़ी ज़्यादा तेज हुआ है, तो उसका असर बेस मेटल्स पर पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव? मुझे अभी फिलहाल बेस मेटल्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, और मुझे लगता है कि आगे चलकर भी बेस मेटल जो है वो काफी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। अभी एक डिमांड फैक्टर जो है वो अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में लगातार हम देख रहे हैं कि बाजार ऊपरी स्तरों पर बना हुआ है, और अभी भी यहाँ थोड़ा सा करेक्शन जरूर शॉर्ट टर्म में आ सकता है, लेकिन उसके बाद वापस से खरीदारी की तरफ मार्केट जाते हुए दिखाई। जी, ये सर जी बात करें अगर क्रूड की, तो क्रूड में आपको क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि क्रूड कल वाली तेजी आज भी क्रूड में देखने को मिल रही है, आज भी सस्टेन है, $100 के ऊपर ही है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं है तो बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है, एकदम मीडियम रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी भी। आपके अकॉर्डिंग क्रूड में अब कैसी चाल रह सकती है? क्रूड में यहाँ से अभी थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार ऊपरी स्तरों से लुढ़के हुए हैं, और अभी भी देखिए आज भी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक बार लग रहा है की नीचे में 7,500 तक आ सकता है, क्योंकि US के अंदर जिस तरह से अपडेट निकल कर आए हैं कि इन्वेंट्री रिलीज की जा सकती है, स्टॉक में रिजर्व निकाले जा सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी,
रूपा जी, आपको क्या लगता है नॉन एग्री कम्युनिटीज में कौन सी कम्युनिटीज में कमाई देखने को मिल सकती है, किन कम्युनिटीज में कमाई के मौके अभी भी बचे हुए हैं ऐसी हाई वोलेटिलिटी वाली मार्केट के अंदर? थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर बाजारों में बना हुआ है, तो अभी बिकवाली करके चला जा सकता है। सोने चांदी में करेंट लेवल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है, और कच्चा तेल भी आज लगता हुआ दिखाई देता है, जबकि इसमें खरीदारी की तरफ आ जा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।